हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। ये जो साइड्स दी हुई हैं 6, 8 और 9, इससे एक हमें ट्रायंगल बनाना है और ये ट्रायंगल इन साइड से पॉसिबल है कि नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट को हम देखते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, इन अ ट्रायंगल सम ऑफ द लेंथ of any two sides is always greater than third side। इसका कहना है एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड का एडिशन उसकी तीसरी साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रायंगल बनाया है जिसकी साइड्स देके रखी हैं। देखिए, ए बी साइड 3, बी सी 10 और सी ए 8 लिया है, तो हम दो साइड का एडिशन मतलब ए बी प्लस बी सी करेंगे और ये ग्रेटर देन होना चाहिए ए सी के, तो 3 प्लस 8 हमारा 11 होता है और 11 ग्रेटर देन है 10 से। ओके, 11 ग्रेटर देन है आपका 8 से। ठीक है, ये 8 है। नेक्स्ट यहां देखिए, बीसी आपका 10 है और एसी आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ये भी ग्रेटर देन है आपके 3 से, यानी कि ए बी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है और 3 से ग्रेटर देन है 18, तो पॉसिबल है ऐसा ट्रायंगल्स बनाना। तीनों हम उसके तीनों को फॉलो करके हम देखेंगे। थर्ड है एसी प्लस बी ए बी, तो एसी आपका कितना दे है 8 सेंटीमीटर और ए बी आपको देके रखा है 3, तो 8 प्लस 3 हम इसको ऐड करेंगे तो ये होता है 11 और 11 ग्रेटर देन है 10 से। ओके, तो ये भी पॉसिबल है, तो इससे ट्रायंगल बनाना हमारे लिए पॉसिबल है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, चेक करना है कि इसे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम दो साइड्स को एडिशन कर लेते हैं, तो 6 प्लस 8 करेंगे तो हमें मिलेगा 14। ओके, और ये थर्ड साइड यानी ये वाली थर्ड साइड से ग्रेटर देन है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ये दो साइड्स का एडिशन देखेंगे, 8 प्लस 9 इक्वल है आपका 17, 17 के इक्वल है ये आपकी, हमने 8 और 9 लिया है तो 6 आपका रह गया, तो 6 से ग्रेटर देन है। यस, ये 6 से भी ग्रेटर देन है। थर्ड हम ले लेंगे 9 और 6। ठीक है, या 6 या 9 या 9 या 6 दोनों का एडिशन हमारा सेम ही मिलेगा 15, और 15 ग्रेटर देन है 8 से। तो देखिए, यहां तीनों कंडीशन में हमारा जो हमने स्टेटमेंट दी थी कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया है। तो हाँ, यस, हमारा जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल है इन साइड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकेंड बी 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको भी हम प्रूफ करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट हम दो साइड्स को ऐड करके देखेंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 17, और 17 लेस देन है 18 से। ये फर्स्ट हम जब चेक कर रहे हैं तभी हमें पता चल गया कि इससे पॉसिबल नहीं है कोई भी ट्रायंगल बनाना ये जो साइड्स दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। ओके, तो ये आपका आंसर है नो। अब हम थर्ड देखते हैं, सी वन सेंटीमीटर, वन सेंटीमीटर, वन सेंटीमीटर, तो प्लस करके हम देख लेते हैं, वन सेंटीमीटर वन इज इक्वल टू टू जो कि ग्रेटर देन है वन से। यस, ठीक है, तीनों कंडीशन में हमें यस ही मिलना है क्योंकि यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर है, तो यस, हाँ, पॉसिबल है ऐसा ट्रायंगल बनाना जिनकी साइड्स 1-1-1 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, डी देखेंगे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसको हम प्लस करेंगे, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर 7 जो कि ग्रेटर देन है 5 से। यस, सेकेंड हम कंडीशन देखेंगे, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 9 इज ग्रेटर देन 3, और थर्ड 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इज अ ग्रेटर, 3 एंड 5 ग्रेटर देन 4। ओके, तो इससे भी एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ओके, सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस इज द मीडियन। ये देखिए फिगर है यहाँ पे, पी एस एक मीडियन है और मीडियन क्या करता है, जो उसकी बेस होती है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे तीन आपको दी हुई है इक्वेशन जैसी, इसको हमें चेक करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और इसका हमने जो डायग्राम आपको दिया हुआ है फिगर, हमने वो यहाँ पे बना लिया है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पी क्यू और एस ये ट्रायंगल्स को देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी
क्यू एंड एस. ओके, इससे हमें हम दो साइड्स जैसे कि पी क्यू, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू एस ग्रेटर देन है पी एस के. ठीक है, पी क्यू और क्यू एस ग्रेटर देन है पी एस के. तो ये तो हमने एक स्टेटमेंट पहले ही हमने पढ़ी हुई है, उस स्टेटमेंट हमको यहाँ पे लिखनी होगी यहाँ पर ब्रैकेट में कि सम ऑफ टू साइड्स, ओके, टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. ओके, तो ये आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी अपने क्वेश्चन में. सेकेंड, सेम इधर वाला जो ट्रायंगल है उसको हम देखेंगे. तो यहां पर लिख लेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर. इस ट्रायंगल में भी आप देखिए सेम यहां पर पी आर, पी आर प्लस है एस आर ग्रेटर देन पी एस. तो देखिए यहां पर भी हमने पी एस को लिया, यहां पर भी हमने पी एस को लिया है, और ये हमें कैसे अरेंज करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. देखिए पी क्यू प्लस आर क्यू आर, देखिए सेकेंड वाले में भी सेम है पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर. तो और एक साइड देखिए पी एस, पी एस दे के रखा है. तो हमें यहाँ पे एक साइड पी एस हमने लिया है, तो ये हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के हमने पी एस और पी एस लिया है, जिससे कि ये इक्वेशन वन बन गई है आपकी, और इसको हमने इक्वेशन दे दिया है टू. यहाँ पर भी आपको सेम स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखनी है ब्रैकेट में. तो ब्रैकेट में आप स्टेटमेंट को लिख लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन, आपको इक्वेशन जिसको आपने दिया है या फिर स्टेटमेंट जो भी है, हम इक्वेशन नाम दे रहे हैं, आप सीधे लिखिए एडिंग वन एंड टू. इक्वेशन वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एडिंग वन एंड टू लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट, अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो जो ये वाला सिंबल है इसके इधर वाले एक साइड आ जाएंगे. तो हम पी क्यू प्लस क्यू एस और सेकेंड हमारा देखिए यहाँ पर प्लस पी आर प्लस एस आर, ओके, ग्रेटर देन है पी एस के प्लस पी एस के. अब यहां पे देखिए कि जो पी क्यू है, पी क्यू प्लस पी आर, हम इसको यहां पे लिख सकते हैं प्लस क्यू एस प्लस एस आर ग्रेटर देन है. यहां पे देखिए सेम है तो इसको हम टू पी एस लिख सकते हैं, ठीक है. अब देखिए पी क्यू प्लस पी आर और यहाँ पे देखिए क्यू एस जो है और एस आर, फिगर में देखिए क्यू एस और एस आर ये दो हैं, तो इसको हम क्या करेंगे क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ लिख लेंगे क्यू आर ग्रेटर देन है टू पी, टू पी एस के. तो ये हमें देखिए सेकेंड वाली जो हमारी दी हुई है बी, वो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया है. अब हमें ये देखिए सी, अगर इसका डबल भी ग्रेटर देन है तो इसका सिंगल तो होगा ही होगा ग्रेटर देन. फॉर एग्जांपल कोई हम एक साइड ले लेते हैं, जैसे कि 15 ले लिया हमने जो कि ग्रेटर देन है 10 से, तो इसका हाफ मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन 5 भी ग्रेटर देन होगा ना, 15 ग्रेटर देन होगा 5 से. जब 2 का मल्टीप्लिकेशन करने से भी अगर ग्रेटर देन है तो उससे कम में तो ग्रेटर देन होगा ही. तो हमारा जो सी है वो भी हमारे यहाँ पे प्रूफ होता है कि पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन है पी एस के. अब देखिए यहाँ पे जो ए स्टेटमेंट थी, यहाँ पे जो ए दिया हुआ था ये आपकी फॉल्स है, यहाँ से बी और सी ही पॉसिबल है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी, आंसर में हम लिख सकते हैं बी एंड सी आर ऑलवेज ट्रू. ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन नंबर टू, और नेक्स्ट आगे के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे. और तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू.